पंजाब दे विच एक हफ्ते के अंदर अंदर दूसरी वड्डी यूनिवर्सिटी दे विच विवादित मामला सामने आया है। फगवाड़ा दी लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी दे केरला नाल संबंधित बीटेक दे एक विद्यार्थी ने मंगलवार दी रात नूं फाहा लैके खुदकुशी कर ली। खुदकुशी बारे पता लगन तों बाद विद्यार्थियों ने प्राइवेट यूनिवर्सिटी दे विच जोरदार रोस प्रदर्शन किया। हुण इस वक्त यूनिवर्सिटी दे विच अंदर ते बाहर पुलिस तैनात कर दित्ती गई है। पुलिस नूं खुदकुशी नोट भी मिलिया है। नोट दे आधार ते कालीकट केरला दे प्रोफेसर दे खिलाफ धारा 306 तहत केस दर्ज किया गया है। इस नोट दे विच विद्यार्थी दे वल्लों प्रोफेसर ते तंग परेशान करन दे इल्जाम लाए ने। विद्यार्थी अग्नि एस दिलीप जो कि बीटेक दे पहले सेमेस्टर दा विद्यार्थी सी मंगलवार शाम नूं कमरे दे विच कल्ला सी। नाल रहिंदा साथी जदों कमरे च आया तां उसकी लाश अंदर लटक रही सी। यूनिवर्सिटी प्रबंधकां नूं सूचित करन तों बाद विद्यार्थी नूं हस्पताल लिजाया गया जिथे डॉक्टरां ने उस नूं मृतक ऐलान दिता। उस तों बाद यूनिवर्सिटी विच विद्यार्थियों ने हंगामा किया जिस तों बाद पुलिस नूं तैनात किया गया। पुलिस की जानकारी मुताबिक मृतक कोलों 3 सुसाइड नोट मिले ने ते पुलिस इन्हां दी जांच कर रही है। मृतक दा पिता भी यूनिवर्सिटी दे विच पहुंच चुकिया सी ते उन्होंने दस्सिया कि पुलिस ने प्रोफेसर खिलाफ केस दर्ज किया है। मामले की जांच लई सिट भी कायम कर दित्ती गई है। पिता ने दस्सिया कि मंगलवार दुपहरे ही उन्हां दी आखिरी गलबात हुई सी। पुत्तर ने कोई अजिही परेशानी का जिक्र नहीं किया सी पर यह जरूर उन्हां नूं पता सी कि विद्यार्थी दे NIT विच कुछ पेपर रहिंदे सी जिन्हां नूं दुबारा देण दे विच प्रोफेसर अड़िक्का पा रहा सी। हालांकि पुलिस के भरोसे तो बाद ते कार्रवाई तो बाद विद्यार्थियों ने रोस मुजहरा अपना समाप्त कर दिता सी। पुलिस के वलों मृतक विद्यार्थी के खुदकुशी नोट की लिखाई की तस्दीक उसके पिता दिलीप कुमार तो ही करवाएगी जिहड़े कि केरला तो पहुंचे सन। खुदकुशी नोट दे विच उसने प्रोफेसर प्रसाद कृष्णा ते परेशान करन दा दोष लाया सी ते कुछ समा पहला ही उसने LPU दे विच दाखला लिया सी। इस दरम्यान फगवाड़ा दे DSP जसप्रीत सिंह ते SDM ने वीडियो जारी करके शांति बनाए रखण दी अपील भी विद्यार्थियों नूं कीती। तकरीबन 5:30 बजे सानू लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी फगवाड़ा वालों एक इनफॉर्मेशन रिसीव हुई सी जिहदे विच उन्होंने दस्या कि एक LPU दे फर्स्ट ईयर दे स्टूडेंट ने बड़ा ही मंदभागा कदम चुक्या है ते सुसाइड कमिट ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੀਲ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਮੌਕਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਪਰਸਨਲ ਰੀਜ਼ਨ ਦੱਸੇ ਇਹ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਸਟੈਪ ਚੱਕਣ ਦੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਹੋਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਜੋ ਵੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਬਤੌਰ SDM ਫਗਵਾੜਾ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ यूनिवर्सिटी ने भी इस मामले ते अपना बयान जारी करदिया कहा कि यूनिवर्सिटी विद्यार्थी दी मौत ते दुख जाहिर करदी है, परिवार नाल हमदर्दी प्रगट करदी है। यूनिवर्सिटी ने कहा कि पुलिस वालों जांच कीती जा रही है। मुढली जांच तो पता लग्या कि विद्यार्थी वालों कदम अपने निजी कारणां करके चुक्या गया। यूनिवर्सिटी वालों प्रशासन नूं पूरा सहयोग दिता जा रहा तां जो सही तरीके दे नाल जांच हो सके। दरअसल पहला पुलिस वालों भी यही कहण दी कोशिश कीती गई सी कि निजी कारणां करके उसने खुदकुशी कीती है, पर जदों खुदकुशी नोट सोशल मीडिया ते वायरल हो गया तां पुलिस ने कार्रवाई की। इस दौरान विद्यार्थियों ने यह भी दोष लाया कि कैंपस दे विच लंघे 10 दिनां दे विच दूसरा सुसाइड है। इन्हां घटनावां पिछे विद्यार्थी कारण जानना चाहते ने। हालांकि पुलिस ते यूनिवर्सिटी प्रशासन ने विद्यार्थियों वालों लाए दोषों तो इनकार किया। विधायक सुखपाल सिंह खहरा ने भी LPU दे विच विद्यार्थी वालों की कथित खुदकुशी की जांच की मांग की। उधर CU घड़ियों के होस्टल वीडियो मामले के भी नवा खुलासा होया। पुलिस जिहड़े मोबाइल नंबर की जांच कर रही है जिहड़ा FIR दे विच दर्ज किया गया है मुलजम का मोबाइल नंबर उसनू ट्रू कॉलर ऐप से घुटाला करने वाले की श्रेणी के विच शामिल किया गया है। कई लोगों ने इस नंबर तो ब्लैकमेलिंग किए जाने संबंधी मैसेज भी रिकॉर्ड दर्ज किए ने ते मैसेज फरवरी तो पोस्ट किए गए हैं ते कुल जिहड़े हैगे ने 55 लोग इस ट्रू कॉलर ते स्कैमर कह चुके ने। तो ट्रू कॉलर के रिकॉर्ड मुताबिक इस नंबर वाले व्यक्ति ने पिछले 2 महीनों में अजिहियां 135 कॉल्स कीतियां जिन्हां विचों ज़्यादातर दुपहरे 3 बजे तो शाम 5 बजे तक के समय में कीतियां गईयां। पुलिस की साइबर टीम इस मामले के जांच कर रही है ते पुलिस मुलजमां तो भी पुछगिछ कर रही है। कई होर वड्डे खुलासे होने की संभावना है।